बीकानेर के धोरों में गर्जेंगी तोपे, दौड़ेंगे टैंक। दरअसल भारत अमेरिका के बीच सैन्य युद्धाभ्यास आज से। दोनों देशों के बीच होगा अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। भारत और अमेरिका के 600 सैनिक ले रहे हैं युद्धाभ्यास में हिस्सा। वैश्विक शांति और स्थिरता का संदेश देंगे। 9 से 22 सितंबर तक MFFR में दोनों ही देशों के सैनिक दिखाएंगे दमखम। युद्धाभ्यास का है यह 20वां संस्करण। युद्धाभ्यास अर्ध रेगिस्तानी इलाके में अभियानों में संयुक्तता, इंटर ऑपरेबिलिटी यानी कि आपसी समन्वय, इस पर केंद्रित रहेगा ये युद्धाभ्यास। ऐसा नहीं है कि इससे पहले युद्धाभ्यास सामंजस्य रूप से नहीं हुए हैं, लेकिन हर बार एक ही मैसेज कि वैश्विक तौर पर आपसी समझौते के साथ एक शांति का संदेश देना, और हर बार ये और ज्यादा विशाल स्तर पर होता है। इस बार क्या कुछ खास रहेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण रागर से। लक्ष्मण जी, जरा विस्तार से बताइएगा इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि उद्देश्य सेम है लेकिन इसका दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, इसलिए हो सकता है कि और भी खास और महत्वपूर्ण रहे। तौर पर आप समझिए इस बात को, एक तरफ दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, यानी दोनों ही देश महत्वपूर्ण और दोनों देशों की सेनाएं महत्वपूर्ण। तो यूएस और भारत का ये अभ्यास अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 20वां संस्करण है ये श्रृंखला का। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो एक संदेश है वैश्विक शांति का, स्थिरता का, और जो उद्देश्य है दोनों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना, ताकि वे आपसी जो समन्वय के साथ आतंकवादी विरोधी अभियानों का ठीक से संचालन कर सके। तो ये इसका मकसद है, कोशिश है। और युद्धाभ्यास में दोनों पक्षों के संयुक्त अभियानों के संचालन, रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं में को साझा करने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ही देशों के रणबांकुरे अपना साहस दिखाएंगे, वैज्ञानिक तकनीकों से रूबरू होंगे, युद्ध की तकनीकों से एक दूसरे से जो है उसे साझा करेंगे। मैं आपको बता दूं, उद्घाटन भाषण जो है यूएस आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल थॉमस बर्क का होगा, तो भारतीय सेना की तरफ से ब्रिगेडियर प्रयोग सुब्बा जो कमांडर है 15 इन्फेंट्री ब्रिगेड के, वो अपना संबोधन देंगे। यानी अब शुरू हो चुका है ये, तो महत्वपूर्ण है अपने आप में। और इसमें जो है राजपूत रेजिमेंट के जो है सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। दोनों बड़े देश, दोनों देशों की सेनाओं पर दुनिया की नजरें, और इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियानों के साथ जो है सेनाएं तैयार हों। अभी पिछले दिनों रक्षा मंत्री ने भी यूएस का दौरा किया था, आपको याद होगा कि कई मायने हैं जो इस युद्धाभ्यास को बेहद खास बना देते हैं, बेहद महत्वपूर्ण बना देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।